और जयपुर से हम आपको बड़ी खबर बता दें, स्कूल बस और वैन सड़क धंसने से फंसी है। जाम डोली में बच्चों को लेकर जा रही वाहन फंस चुकी है। वाहनों को निकालने के लिए जेसीबी बुलाई गई है, जेसीबी भी रोड में धंस गई है। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि बारिश की क्या स्थिति है और जलभराव की क्या स्थिति है कि जिस जेसीबी को बुलाई जाती है बच्चों को लेकर जो वाहन फंसी हुई है उसे निकालने के लिए, वो भी रोड में धंस चुकी है। तो यही दिखाता है और यही समझाता है आपको कि जलभराव की स्थिति कितनी। देखिए तस्वीर, देखिए साफ तस्वीर देखिए। हम आपको फिर से एक बार पुनः बता दें, स्कूल बस फंस गई थी जिसको निकालने के लिए जेसीबी बुलाई गई थी और अब जेसीबी भी रोड में धंस गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जेसीबी रोड में धंस चुकी है। पहले तो ये स्कूल बस को देख लीजिए, सड़क धंसने से ये स्कूल बस फंस गई थी जिसमें बच्चों को लेकर ये वाहन जा रही थी, वो फंस गई थी। और इसके बाद जब इसे निकालने के लिए जेसीबी को बुलाया गया तो जेसीबी भी रोड में धंस गई बिल्कुल तरह। ये एक पहली तस्वीर आप देखिए, ये जेसीबी की तस्वीर और ठीक थोड़े पीछे स्कूल बस की भी तस्वीर। तमाम वहां पर लोग लगे हुए हैं दोनों वाहनों को निकालने के। और उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर रेजिडेंट डॉक्टर्स की संपूर्ण कार्य बहिष्कार का फैसला लिया गया है। उदयपुर संभाग के सबसे अच्छे हॉस्पिटल महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में दूसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। एसोसिएशन के महासचिव ने कहा है कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो हड़ताल अनिश्चितकालीन समय के लिए जारी रहेगा। एमबी हॉस्पिटल में कार्यरत सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स का एक साल से स्टाइपेंड, वेतन, एचआरए एरिया की भुगतान नियमित रूप से नहीं की गई है और मामले को लेकर कई बार प्रशासन से गुजारिश की गई लेकिन प्रशासन के रवैये में कोई बदलाव नहीं देखा गया। देखिए, आज जैसा आपको ज्ञात है कि आज सुबह 8 बजे से हमारे जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो कि हमारे MDMS कोर्सेज के हैं और DMMCH कोर्सेज के हैं, इन सब लोगों ने जो है वो सुबह आज 8 बजे से सारे कार्य का संपूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। अब इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है वो ये है कि ये रेजिडेंट डॉक्टर्स ये डिमांड कर रहे थे कि उनकी कुछ सैलरीज बाकी हैं और उसमें जब पूरा सारा हमने उसको अच्छी तरह से देखा तो उसमें ये पता लगा कि उनको 1 महीने की ज़्यादातर लोगों को वो सैलरी नहीं मिली और वो भी डिस्क्रिपेंसी इसलिए रही कि कुछ हमको नई पोस्ट्स मिली हैं जिनके कारण थोड़ा सा जो है वो पैसा का उधर हमको थोड़ा सा पैसा शिफ्ट करना पड़ा। तो वो 1 महीने की सैलरी जो है उसके लिए भी हमने उनको आश्वस्त किया था ये चीज़, क्योंकि विधानसभा अभी चल रही थी और जब तक कि जो है वो वहाँ से आदेश पारित नहीं होते हैं, बजट सेंक्शन नहीं होता है, तब तक जो है वो किसी की भी राज्य सरकार के कर्मचारी की सैलरी रिलीज नहीं करी जा सकती। पिछले करीब 1.5 साल से R&T मेडिकल कॉलेज में जो रेजिडेंट्स हैं, सीनियर रेजिडेंट हैं, SR हैं, तो इनका स्टाइपेंड या वेतन जो है वो नियमित रूप से उसका भुगतान नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हम काफ़ी महीनों से कॉलेज प्रशासन से निरंतर लिखित में और मौखिक रूप से अवगत करा रहे हैं। उनके आश्वासन पे हमने पिछली 6 जून को भी स्ट्राइक पे जाने का हमारा डिसाइड हुआ था, तो उनके आश्वासन के बाद में हमने उसको विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद 19 जुलाई को हम सर से मिले थे तो उन्होंने 28 तारीख तक, इस महीने के अंत तक हमारा स्टाइपेंड आ जाने की बात कही थी। वो भी हमारा जून का बाकी है जो रेजिडेंट है, और सीनियर रेजिडेंट जो सुपर स्पेशलिटी के DMMCH हैं उनका 3 महीने का बकाया है, SR का करीब 3 महीने का बकाया है, इंटर्न का 5 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिला है। तो ये जो सारी अनियमितताएं हैं और आज इतने मतलब अपन सब जानते हैं कि खर्चा चलाना कितना मुश्किल होता है, तो आप 2-2, 4-4 महीने की अनियमितता और वेतन का भुगतान अगर समय पे नहीं होता है तो ये बड़ी मतलब विडंबना है। और जो ये आज हमने स्ट्राइक अनाउंस की है और सारे रेजिडेंट हमारे कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1 महीने की पेंडिंग सैलरी इसीलिए हम कर रहे हैं, ये जो हमारी मांग है पिछले 1 साल से हम लगातार प्रशासन को चेता रहे हैं कि हमारी नियमित रूप से करी जाए, कभी महीने की 15 तारीख को आ रही है, कभी अगले महीने की 20 तारीख को आ रही है। तो इन सारी अनियमितताओं को लेकर जब ये पूरा भर गया हमारा घड़ा सब्र का, तब जाकर हमने स्ट्राइक अनाउंस की थी, वो भी 6 जून को हमने पहली बार इनको चेताया था। उसके बाद उन्होंने कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, उसके बाद हमने दोबारा से 19 जुलाई को भी इनको लिखित रूप में दिया, उसके बाद भी मिला हमें सिर्फ आश्वासन। और जब हमारा सब्र का घड़ा भर गया उसके बाद हमने मजबूर होकर
ये फैसला लिया। आज पुलिस से की बात हुई क्या? नहीं, अभी तक हमसे आज की डेट में कोई प्रशासन ने बात वार्तालाप नहीं की।